ओके अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इंटरजेक्शन। क्या हो गया? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द जो ऑल ऑफ अ सडन, क्या बोला मैंने, ऑल ऑफ अ सडन क्या होते हैं हमारे, हम प्रोनाउंस करते हैं ऑल ऑफ अ सडन ऐसे शब्द वर्ड, जैसे हम बोलते हैं ओ माय गॉड, ये सुनो क्योंकि आउच कहते नहीं अम्मा, ये सुनो। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। ओके, तो जैसे हो गया आह, ओ, आउच, ठीक है, या बोलते हैं हुर्रा। ओके, हुर्रा। या बोलते हैं वंदन, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं दैट इज आवर वंदन हुर्रा फाइव 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 कौन सा छी छी, ठीक है, ई टी सी अचानक से हमारे किस में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फाइव फाइव, ओके, फाइव फाइव, ही इज अ करप्ट ऑफिसर, ठीक है, फाइव फाइव, ही इज अ करप्ट ऑफिसर, ओके। तो क्या हुआ, छी छी, वो ये क्या है, भ्रष्टाचारी क्या ऑफिसर है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये सुनो, ये क्या सेंटेंस कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो अचानक से, अ सेंटेंस व्हिच कम्स ऑल ऑफ अ सडन इन आवर माइंड, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन क्या लगा, अ सेंटेंस व्हिच स्ट्रॉन्ग शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसमें, या अचानक से हमारे माइंड में आता है, ठीक है, जैसे तो व्हाट अ प्लेस, ओके, ओ व्हाट अ गर्ल, ओके, ओ माय गॉड, इस तरह से, तो क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन क्या आता है हमारे माइंड में आता है, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो ऑल ऑफ सडन आता है, और वर्ड अगर ऐसा आता है उस वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम, क्या हम इंटरजेक्शन के बिना भी, क्या हम इंटरजेक्शन के बिना भी किसका सेंटेंस, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं? यस, नोट लिखो, एनओटी नोट, या पूछता कि क्या विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन वी कैन मेक क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या कर सकते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना सकते हैं, ओके। जैसे पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा, या तो का व्हाट आर यू सच, नहीं व्हाट आर यू डूइंग इन व्हाट, व्हाट सच, हाउ, प्लस आर्टिकल ए या एन, प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, जो हमारा ऑप्शनल में होगा, प्लस अदर वर्ड या नाउन,
ठीक है, और लास्ट होगा एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा यूज होगा। ओके, जैसे मैं बोलता हूं व्हाट अ प्लेस, क्या बोला मैंने, व्हाट अ प्लेस, अचानक से मैं किसी जगह पर पहुंचा और अचानक मैं पूछ रहा हूँ व्हाट अ प्लेस, ऐसा कोई आपको भी लगा है, कोई ऐसी जगह पे आप पहुंचे ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेस, ऐसा कोई किया आपने, कोई ऐसी जगह कौन सी? शिमला गए थे तब, यस। तो उसका बड़ा प्लेस देखो क्या है, व्हाट आ गया, आर्टिकल ए और एन आ गया, एंड यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ, एंड हमारा अदर वर्ड आ गया प्लेस। ठीक है, अब एक और देख लो अभी लिखना इसको, ठीक है, अभी अंडरस्टैंड करो। अगला मैं बोलता हूँ, मैंने बोला व्हाट अ नाइस प्लेस, क्या बोला मैंने, व्हाट अ नाइस प्लेस। अब देखो व्हाट आ गया, आर्टिकल आ गया, ये नाइस क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, तभी तो मैंने बैक में डाला कि इसमें आप एडजेक्टिव का यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। प्लेस क्या हमारा अदर वर्ड है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, ज्यादातर ये इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बोला जाता है। क्लियर, हमें बोलता हूँ सच अ गर्ल, क्या बोला मैंने, सच अ गर्ल। ठीक है, सच अ गर्ल, ठीक है, और मैं बोलता हूँ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एडजेक्टिव का यूज किया, ठीक है, डन, यस सर, हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, बट मानकर चलते हैं बुक में ये ना लिखे, मतलब बुक में देख के तो पता चल जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो पता है कि अच्छी लड़की की बात हो रही है, व्हाट अ नाइस प्लेस, पता है नाइस प्लेस की बात हो रही है, समझ। और हम अगर ऐसा बोले बड़ा नाइस प्लेस, तो मेरा एक्सप्रेशन देख करके पता चला वाह कितना प्लेस है, कितना अच्छा है ना, बड़ा प्लेस है ना, शब्द तो दोनों है, बड़ा प्लेस, बड़ा प्लेस। अगर बुक में सिर्फ यही लिखा होता हूँ क्या मानेंगे, क्या वो अच्छे प्लेस की बात कर रहा है, बुरे प्लेस की बात कर रहा है, कोई भी नहीं, एक मानना पड़ेगा हमें। अगर ऐसा लिखा हो तो बुक, चलो देखने से तो पता चला बड़ा प्लेस, देखने से पता चला मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, पर बुक से थोड़ा पता चल रहा है, यस और नो। तो इसलिए इसको हमेशा ही क्या माना जाएगा कि जो भी बात हो रही है वो अच्छी की ही हो रही है, दैट्स इट, गॉट माय पॉइंट। ये था हमारा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस हमने पहले पढ़े क्या, एक हो गया आपका दैट इज असर्टिव, क्या हो गया असर्टिव। सेकेंड वन था हमारा इंट्रोगेटिव, फिर था हमारा इम्पैरेटिव, क्या हो गया इम्पैरेटिव। ठीक है, अब था फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव, एंड द लास्ट वन था हमारा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, क्या है एक्सक्लेमेटरी। तो ये पांच तरह के क्या हुए हमारे सेंटेंसेस हुए, ये थे ओल्ड ग्रामरियन, जो ओल्ड ग्रामर बनाने वाले थे ये वो थे, कुछ एक न्यू ग्रामेरियन आए जिन्हें वो ग्रामर बनाते हैं, ग्रामर बनाने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें पीएचडी लड़की होती है, तो उन्होंने बोला कि हमने पांच क्या ग्राम, पांच सेंटेंस को नहीं पढ़ना, हमने इनको क्या करना है, इनको हमने चार में करना है। तो पहले उन्होंने बोला दैट इज कि हम इसको बोलेंगे स्टेटमेंट, क्या हो गया स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, जिस तरह से हमने पढ़ा कि असर्टिव क्या था हमारा, पॉजिटिव भी होता है या नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस भी क्या होता है हमारा, दैट इज हमारा असर्टिव होता है। क्लियर, अब अगला था हमारा इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव या इंटर जो हमारा इंटरोगेटिव, जिसको हमने बोला कि हम इसको बोलेंगे क्वेश्चन, क्या बोलेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। फिर इन्होंने क्या कि ये थर्ड एंड फोर्थ इंपेरेटिव एंड ऑपरेटिव जो सेंटेंस थे इनको बोला कि हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दैट इज आपका कमांड, कमांड वाले क्या सेंटेंस। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, वहां तो इंपेरेटिव में तो ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट, इसको हम कमांड वाले सेंटेंस पर रख लेते हैं, पर भगवान अगर आशीर्वाद है आप मजबूर नहीं थोड़े, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, ये सुनो
आप उसको ऑर्डर थोड़ा दे सकते, कमांड को ना, वो तो उसकी मर्जी है, ये सुनो। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये इन्होंने कब ये तीसरा चौथा का ना ऐड कर देना इसी बारे में, थर्ड वाले कमांड वाले, ठीक है। एंड द फोर्थ था इन्होंने, फोर्थ वाले को क्या रखा, एक्सक्लेमेटरी, इसको बोला एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। तो इन्होंने क्या बनाया, कुछ टाइम के लिए माना जाने लगा कि चार ही तरह के क्या होते हैं सेंटेंसेस होते हैं, पर बाद में फिर से लोगों ने बड़ा डीप इसको स्टडी किया, जो ग्रामेरियन थे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये वाले नहीं चलेंगे, ठीक है, हमें सेंटेंस को पांच पार्ट में ही डिवाइड करना होगा, दैट्स व्हाई हमारे पास पांच टाइप के क्या होते हैं सेंटेंसेस होते हैं। इज इट क्लियर? ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। इसका पहला वाला जो बनाया पार्ट हमने वो ऑलरेडी जो है आपके मिल गया होगा, एंड फिर भी अगर आपको कुछ रहता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।